हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आइए देखिए रेसिपी। 200 ग्राम फीका मावा लिया है, 100 ग्राम पिसी हुई शक्कर ली है, 1 चम्मच नारियल का बूरा, बादाम की कटिंग ली है, गुलकंद लिया 1 चम्मच। ये गुलकंद मैंने घर पे तैयार किया हुआ है, मैंने इसमें आगे पहले रेसिपी डाली हुई है गुलकंद बनाने की, आप देख सकते हैं। पान का मसाला लिया है, 1 अखरोट लिए जिसको हमने छोटी छोटी काट ली है, पिस्ता और 4 इलायची को छोटा छोटा हमने पीस लिया है, और 1 चम्मच मैंने घी लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में हमने जो घी लिया है वो डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें अब मावे को छोटा छोटा तोड़ करके डाल देंगे। मावा अच्छी तरह भून चुका है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। भुना हुआ मावा ठंडा हो गया है, अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, बादाम डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, अखरोट डालेंगे, नारियल का बूरा डालेंगे, पान मसाला डालेंगे, 1 चम्मच पान मसाला लिया वो, गुलकंद डालेंगे, और बूरा शक्कर डालेंगे। इन सभी को हम अच्छी तरह धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। हमने सभी को अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इसके हम मोदक तैयार करेंगे। ये मोदक का सांचा है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। सबसे पहले हमने मोदक के सांचे पे हमें घी लगाना अच्छी तरह। हमने अच्छी तरह घी लगा लिया है, अब इस सांचे को हम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अच्छी तरह हमें इसको टाइट पकड़ना जिससे निकले नहीं बाहर, और हम चम्मच से डालेंगे। हमने अच्छी तरह मिश्रण इसमें भर दिया है, अब इसे हम धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। वाह, कितने बढ़िया मोदक बन के तैयार हुए हैं। इस तरह हम सभी मोदक तैयार कर लेंगे। मोदक बन के तैयार है, आनंद लीजिए मोदक का। धन्यवाद।